हेलो फ्रेंड्स, बरनालापुर में आपका स्वागत है। आज हम मटर पनीर की सब्ज़ी आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। बनाकर ज़रूर देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मटर पनीर बनाने के लिए हमने दो बड़े बड़े प्याज के करीब प्याज लिए हैं और टमाटर थोड़े छोटे हैं, इसलिए हमने 5-6 लिए हैं। ये भी 2-2.5 के करीब है। 5-6 कलियां लहसुन की ली हैं, 3 हरी मिर्च ली है, धनिया लिया है। इसको हम पीसेंगे, मसाला बनाएंगे और फिर हम मसाला भूनेंगे। थोड़ी हींग डाली है घी डाल के, और इसमें डालेंगे अब जो प्याज का मसाला है वो डाल देंगे। तेज पत्ता लिया है, थोड़ा हमने कड़ी लीव सुखा कर लिया है, ये भी बीच में डाल देंगे। इसको भूनेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा भुना हुआ जीरा पिसा हुआ है, और नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी वो भी डाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं जो टमाटर की प्यूरी बनाई है वो डाल दूंगी। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ी इसमें मैं मलाई डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। मसाला जो गुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे। हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, छोटा छोटा काट लिया है, वो डाल देंगे। मटर निकाल के रखे हैं वो भी डाल देंगे। पानी मैंने पहले से ही गर्म करके रखा है, क्योंकि छेती उबाल आने लगता है। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे पकने के लिए रख देंगे। ढककर पकाएंगे, 10-15 मिनट लगेंगे इसको। ढक के रख देंगे। देखिए सब्जी देख रहे हैं, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये सर्विंग के लिए रेडी है। इसमें हम थोड़ा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। देखिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।